लगाओ टिक्का, जल्दी आओ। हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो आज दिन हो चुका है बुधवार का और शाम का टाइम है, तो अब इस टाइम से मैंने अपने ब्लॉग की कर रखी है भाई स्टार्टिंग। दिन में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, तो अब यहाँ पे ये बर्तन वगैरह है वही साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे रख दिए मैंने नमकीन चावल बनाए हैं, बच्चों की फरमाइश थी भाई दिन में बनाने की बोल रहे थे, फिर इसके दादा लेके आ गए भाई समोसे, तो फिर वो खाने के बाद इन्होंने मना कर दी। तो मैंने सारा सामान रेडी कर रखा था दोपहर में, तो वैसे कि वैसे ही फिर फ्रिज में रख दिया सारा सामान, और सोची भी अब शाम को ही बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी साफ कर दिए और नमकीन चावल भी रख दिए हैं। तो ये है नेक्स्ट डे सुबह सुबह की क्लिप। आज दिन हो चुका है बृहस्पतिवार और आज है होली, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ सुबह सुबह फटाफट 7 बजे का टाइम है और पतिदेव को जाना है अभी ऑफिस, तो सबसे पहले उन्हीं के लिए खाना रेडी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें आलू बॉईल कर रखे थे वो छील रही हूँ, और साथ में इसका मसाला भी तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो फटाफट से उनको पहले भी खाना पीना करवा के उनका उनको भेज देते हैं, और बाकी का काम तो ऐसे ही चलता रहेगा आज तो पूरा दिन। 2 दिन तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम बढ़ ही जाता है, तो वही काम निपटाने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोक लगा दिया है सब्जी में, और आलू को अच्छे से मैश करके अब डाल देती हूँ। एकदम पतली पतली सी सब्जी हो जाएगी, और उसके बाद भी मैं नहा धो के फिर खाना बनाऊँगी। तो पितरों के वो निकलता जो हमारे थान दादा बना रखे है, स्थान बना रखे है जिनका, और अपने दही देवता पर भी चढ़ाया जाता है, तो वो खाना मैं बाद में रेडी करूँगी नहा धो के। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी, फिर आज मेरा फास्ट भी है बृहस्पतिवार का, तो पहले मंदिर की साफ सफाई कर देती हूँ। कई दिन हो गए हैं तो की नहीं थी, तो अब पहले साफ़ सफाई मंदिर की करके और उसके बाद ही अपनी जोत बत्ती करूँगी, और खाना पीना भी बाद में ही रेडी करना है। अभी तो यही काम कर रही हूँ फटाफट से, ये काम निपटा के फिर और बाकी के कई सारे काम भी है पेंडिंग, वो भी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने मंदिर की सफाई कर दी है, जितनी भी ये भगवान की मूर्ति रख रखी है सारी अच्छे से पोंछ के, ये हैंकी है जो मंदिर का है, तस्वीर वगैरह इसे ही साफ़ करती हूँ। तो सारी अच्छे से साफ़ करके और लगा दी है अब इसमें। तो अब कर लेती हूँ भाई अपनी पूजा भगवान जी की, और उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर में और होली पूजने। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर जो भी पहली बार आते हैं भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब करने में कुछ पैसे नहीं लगते, तो आप लोगों के ही साथ सपोर्ट से कुछ हो सकता है। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखना। हेलो जी, नमस्ते। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है दिन गुरुवार का और आज भाई होली है 17 तारीख। तो अभी नहा धो के भी पूजा पाठ की है अपनी, गुरुवार का मेरा रहता है अभी फास्ट।
तो अभी पूजा पाठ की है और किचन के थोड़े बहुत काम निपटा रखे हैं, कुछ अभी निपटाऊंगी। तो अभी मेरे को पतिदेव गए थे ऑफिस, तो पहले उनका खाना बना के उनको भेजा है भाई। तो वो सुबह 7:30 बजे निकल गए थे। देखो यहाँ पे मैंने कर रखी भाई सब्जी रेडी, और ये पूरियाँ बनाई थी उनके लिए। तो बाकी अब जो हम जोत लगा के आते हैं, चढ़ाते हैं अपने थान दादा के वहाँ पे, और एक दो जगह पे और भी चढ़ाते हैं, कई जगह पे जोत लगाई जाती है। तो उसके लिए भी मैं बनाऊंगी भाई हलवा, क्योंकि नाक पे ही वो खाना बनाया जाता है। वो जा रही थी फटाफट से ऑफिस, तो उनके लिए पहले फटाफट बनाना पड़ा, फिर नहा धो के अब बना रही हूँ भाई जो भी चढ़ाने के लिए होता है अपने मंदिर में। और वो तो सब्जी पूरी तो उनके लिए रेडी कर दी थी, अब दोबारा से आटा लगाऊंगी और पूरी बनाऊंगी, और बनाऊंगी भी सूजी का हलवा, और फिर रेडी होके जाएंगे भाई होली पूजने के लिए। तो 10 बजे की बोल रखी थी कि 10 बजे चलेंगे भाई। तो देखो 10 बजे तक मेरा काम फिनिश हो पाता है या नहीं, काफ़ी सारा काम रह चुका है अभी। तो पहले मैं बना लेती हूँ भाई चाय, चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर ये काम निपटाऊँगी। तो एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। आज पिछले साल इसी दिन मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी अपने चैनल की, अपने फैमिली वालों के पास में व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया था सबके पास में। तो आज हो चुके हैं भाई पूरा एक साल मैंने अपने चैनल को शुरू किए हुए। शुरू तो फिर एक दो महीना पहले भी कर दिया था, एक आध वीडियो डाली थी, पर मैंने सबको बताया था कि भाई मैंने भी अपना चैनल ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है। तो आज हो चुका भी एक साल, तो वीडियो को फुल वॉच किया करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। एक साल हो चुका है मेरे को, और वैसे की वैसे ही है चैनल, थोड़ा बहुत चल रहा है एक आध वीडियो पे। तो अच्छा भी आपने सपोर्ट कर रखा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो इसी तरह हर एक वीडियो पे देते रहो। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ भी अपना काम, और फिर आगे मिलेंगे। और ये हो गई भी मैं रेडी, तो अब जा रही भी होली पूजन। ये मेरा येलो कलर का सूट, अब की बार मैंने भी कोई भी नया सूट नहीं सिल पाई। मैं सूट तो बहुत सारे रखे हैं पर एक भी नहीं सिल पाई, टाइम ही नहीं लगे मेरे को होली पे नया डालती। तो ये पहले का ही रखा हुआ था एक सूट, तो वही डाल लिया आज। अब अगर टाइम लगेगा जब सिल लूंगी तो बताना भी कैसी लग रही हूँ मैं। अपना वही सिंपल सा लुक है, बस यही रहता है हमेशा मेरा, तो कुछ ज्यादा वो नहीं होता है। यहाँ पे मैंने चूड़ा डाल रखा है, और ये नेकलेस और इसी के इयर रिंग्स डाल रखे है, मैचिंग हो रखे है रेड रेड। तो भी चलिए अब चलते हैं, 10:30 हो चुके हैं, मंदिर में भी जोत लगा के आनी है और होली भी पूछ के आनी है, तो चलिए अभी चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम होली पूजने के लिए, और ये बना रखी है भाई जोड़ के पास है, तो यहीं बनती है, हमने तो यहीं पे देखा है हमेशा यहीं पे बनती है। तो यह बना रखी है, और जो सामान लेके आए थे इसमें आटा, बेर और गेहूं की बाल, गुड़ वगैरह जो भी सीधा देते हैं भाई जो बैठे रहती हैं यहाँ पे लेडीज़, तो उनको दे देते हैं ये आटा वगैरह थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डालकर पूज देते हैं। और फिर इसके चारों तरफ कभी नाला बांधते हुए और चारों तरफ परिक्रमा कर लेते हैं, तो यहाँ पे वही कर ली है हमने। और ये परिक्रमा करने के बाद फिर यहाँ पे पास में ही है जी यो मंदिर, तो उसमें भी केला सींचने के लिए भी जाऊँगी अब मैं। तो यहाँ पे कर ली है, बांध दिया है नाला, और जो प्रसाद वगैरह था वो दे दिया है। लो लगाओ टिक्का, जल्दी आओ।
ले मंदिर में भी जाना है। हमने बता दिया अगली बार भी गलती करेंगे। कुछ ना हो खराब ब्लॉग मेनू में चल रहा। तो अब आगे भी मंदिर में केला सींचने के बाद तो यहाँ पर भी जोत लगा देती हूँ, प्रसाद वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो सबकी अलग अलग रीति रिवाज होती है, तो हमारे यहाँ पर यही है कि हर एक जगह पर अपने जो भी दही देवता है वहाँ पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और प्रसाद चढ़ा के आते हैं, जोत लगा के आते हैं, वही चादर वगैरह चढ़ाते हैं। तो यही है। तो मैंने तो मैं यहाँ पर आ गई थी, होली पूज दी थी और मंदिर में आ गई थी और जो बाकी की जगह हैं वहाँ पर मैंने भेज दिया था सुबह पापा। तो कई जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं और अब चलते हैं भाई घर। तो अब आ चुके हैं भाई घर पर और देखो 12:15 हो चुके हैं। हम आ गए थे 15 मिनट पहले, 11:30 बजे हम पहुँच गए थे वापिस घर पर और अभी बना रखी भाई मैंने चाय, एक मग्गा भर के चाय पी दी हूँ। तो थोड़ी सी ज्यादा बन गई आज, तो सारी की सारी डाल ली मैंने इसमें। तो अभी भी चाय पी रही हूँ और बच्चों ने भी खाना खा लिया, सब्जी पूरी हलवा ये बना रखा था, बर्तन पड़े हैं भाई देर सारे, किचन में फैला पड़ा है अभी। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद करूँगी भाई बाकी के जो काम रह रखे वो करूँगी। और बहुत तेज धूप थी, बहुत तेज, कभी एकदम बिल्कुल वही पसीना पसीना हो गई, गर्मी लगी बहुत ज्यादा। तो अभी अब चाय पी लेती, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी नहीं तो। तो अब भाई टाइम हो चुका है 3:30 होने वाले हैं देखो यहाँ पे, और ये प्रेस करी थी अब लाइट आई हुई थी तो ये सारे कपड़े इनका प्रेस कर दिए, कुछ बच गए हैं थोड़े से तो ये रखे हुए हैं, फिर देखेंगे कहेंगे अपने लत्ते की तरह प्रेस की तह लगा कर रख लिए है और मेरे छोड़ देती है बार बार में। तो भी ये जो जरूरी थे उनके ऑफिस के तो पहले उनका कर दी है, अपने सूटा कर लिखे कि सूटा करनी थोड़ी सी आसान सी है, जल्दी सी फटाफट हो गया है। और ये सफारी सूट और कुर्ते पजामे हैं उनका थोड़ी सी मशक्कत लगानी पड़े है। तो अभी भी मैं चाय बना लेती हूँ, पापा भी आ रहे हुए हैं, कई बार गए थे तो वो भी आ गए हैं, एक आध बार बोलते बोलते फिर कुछ अटकाट की हो जाए फिर समझ गए होगे वैसे आप। तो भाई अभी ये कपड़े उठा कर रख दूँ और अभी आया था भाई सब्जी वाला, तो फिर आज की तो रखी हुई है सब्जी क्योंकि आलू मटर बनाया था मेरा फास्ट है और इन लोगों ने भी खा ली थी। और ये देखो कल के लिए ले रखी है ये सारी सब्जी, पालक आलू का आलू प्याज हरा धनिया, और ये देखो पकौड़ों के लिए मोटी मोटी हरी मिर्ची, और ये पीछे भी वो टावल सुखा रखा है मंदिर का, और ये इसमें लगा रखी है बेर, उतार देते हैं नमी, ये गिल्ला है सूख जाएगा। तो अभी बना लेती थी चाय और यहाँ पे मंगवाई थी अब मैंने दाल, लाइट ऑफ
तो यही देखो बर्तन भी सूख गए हैं, अभी इन्हें भी लगाऊंगी। और ये यहाँ पे दाल भिगो रखी है, आधा किलो उड़द वाली दाल मंगवा रखी है। अब इस दाल का समझ गए होगे आप मैं क्या बनाऊंगी, तो इसके भी बनाऊंगी मैं दही बल्ले। उड़द की दाल भिगो रखी है, कई घंटे हो गए, बिगे 3-4 घंटे हो गए। तो ये अब इसने अच्छे से धो गए, 5:30 बजे के करीब अच्छे से धो गए। और फिर इन्हें का पेस्ट बना लेती हूँ मिक्सी में, और फिर इसकी बनाऊंगी वो वड़े। और यहाँ पर जमा दी थी 1.5 किलो दूध मंगवाया था थैली वाला, वैसा तो भाई पीने के काम आ जाता, चाय वाय बनाते हैं, तो ये थैली वाला थोड़ा एक्स्ट्रा दूध मंगवाया था। तो उसकी अभी जमा दी दही, क्योंकि कल सुबह तक हो जाएगी भाई, अब जम जाएगी और फिर उसने फ्रिज में रख दूंगी, ठंडी ठंडी हो जाएगी, अच्छी सी टेस्टी दही बल्ले में ठंडी दही चला है। तो अब भी बना लेती हूँ चाय, बर्तन लगा देती हूँ, और ये जो साग सब्जी जो भी ले रखी भी साफ करके इन्हें धो के और रख लेती हूँ, कल बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे तो आज कर लेती हूँ। आज भी पूरा दिन गया है वैसे तो, और फटाफट कर लेती हूँ भी काम। तो जी आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, टाइम हो चुका है 6:45, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय टाटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट।